नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जलवायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए पर्यावरण दिवस पर डीएम ने अधिकारियों से अपने अपने कार्यालय पर वृक्ष लगाने को कहा। पर्यावरण दिवस पर सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालयों पर वृक्ष लगाएं व संरक्षित करें, जलवायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। नए रोपित वृक्षों के साथ ही पुराने वृक्षों का संरक्षण भी अति आवश्यक। उतने निर्देश आज जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्र द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण करते हुए उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में अशोक का पेड़ रोपित कर संकल्प लिया कि वे अपने कार्यकाल में इस वृक्ष को संरक्षित करेंगे एवं आने वाले अधिकारी को भी इसे संरक्षण हेतु हस्तांतरित करेंगे। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में बनी पंचवटी एवं नवग्रह वाटिका में विगत वर्ष कराए गए पौधारोपण का भी जायजा लिया, जहां सभी वृक्ष अच्छी स्थिति में पाए गए। उन्होंने पंचवटी एवं नवग्रह वृक्ष वाटिका एवं कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त घास को हटाने के साथ ही आगामी समय में वृहद वृक्षारोपण कराए जाने के निर्देश जिला वनाधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है एवं जलवायु प्रदूषण से मात्र वृक्ष ही मुक्ति दिलाएंगे। आज विकास के दौर में जहां वृक्षों का दोहन हो रहा है, इस स्थिति को सुधारने हेतु हमारी भूमिका उत्तम होनी चाहिए एवं अपनी ही नहीं एवं आने वाली पीढ़ी को भी नए वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। उन्हें पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों को महत्व को समझाने हेतु अभिभावकों सहित अध्यापक भी अपना योगदान दें। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।